जय जय नमोस्तु नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याणं नमो वक्षाय नमो लोये सर्वसां निजस्वरूप को परम रस जामे भरो पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित नाटक समय सार बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। एक एक अधिकार में अध्यात्म का रसास्वादन करा रहे हैं पंडित जी अपने को। हमने कल पुण्य पाप द्वार एकत्व द्वार चालू किया था। हमने देखा था कि दो छंद देखे थे ना, उसमें तीन छंद मुख्य रूप से। एक तो देखा था कि चंडालिनी का जो उदाहरण दिया है ना, तीसरे नंबर का छंद कहा था कि एक ही माता के दो पुत्र, चंडालिनी माता के ही दो पुत्र, एक ब्राह्मण के घर में बड़ा होता है और एक उसी के घर में बड़ा होता है ना। दोनों की बाहर से क्रिया अलग दिखती है पर है दोनों किसके पुत्र, एक ही माता के पुत्र है। ऐसे प्रशस्त राग हो या अप्रशस्त राग हो, दोनों कौन सी जाति के हैं, तो के विभाव की जाति के ही दोनों है। दोनों में भेद कर रहे हैं वही अज्ञानता है। और दोनों को जहाँ एक देखा है ना, तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं, ऐसा यहाँ पे उदाहरण दिया। फिर हमने पांचवे और छठे छंद का स्वरूप देखा था। पांचवे छंद में कहा था ना कि चार अपेक्षा से भेद है, पुण्य परिणाम और पाप परिणाम चार अपेक्षा से भेद कहे। कौन सी चार अपेक्षा? कारण, स्वभाव, रस या फल कहो और आश्रय। बहुत बढ़िया, चार अपेक्षा से भेद। व्यवहार से देखे तो भेद है, दोनों में क्या है, अंतर है। पर निश्चय की दृष्टि से देखो तो दोनों कैसे हैं, दोनों समान है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ये अनादि काल से दो ही परिणाम कर रहा है जी, या तो शुभ और या अशुभ। पूजा में गाते हैं ना, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। निरंतर किसका द्वार खुला रहता? आश्रम का द्वार खुला रहा है ना। आज कहा ना, एक घड़ा उल्टा तो सारे घड़े उल्टे, और एक घड़ा सीधा तो सारे घड़े सीधे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे पुण्य पाप के परिणाम तो ज्ञानी को भी होते हैं, पर ज्ञानी को उन पुण्य पाप के परिणाम में क्या नहीं है, तो क्या एकत्व बुद्धि नहीं है। और अज्ञानी पुण्य में क्या मानता है, भला मानता, अच्छा मानता है, और पाप में बुरा मानता है। ख्याल आ रहा है ना? ये परिणाम है, परिणाम तो बदल जाएंगे। जब परिणाम बदल जाते हैं तो ये शरीर, ये संयोग, ये नौ कर्म की तो क्या बात करूं, वे तो मेरी सत्ता में ही नहीं है। और अनादि काल से सुख कहाँ ढूंढ रहा है, पर में सुख ढूंढ रहा है ना, वो बूंद होता है ना, बूंद प्राणी, वो कहाँ पड़ा रहता है पूरा टाइम, गटर में पड़ा रहता है ना बूंद, है ना, उसको कहाँ आनंद आ रहा है, उस गटर में आनंद आ रहा है, मजा आ रही है।
हम उनको देख के, हम उसकी दशा को देख के, हमको उस पर क्या आती है? दया आती है। ऐसे ही अज्ञानी पांच इंद्रिय के विषयों में पड़ा है ना, ज्ञानी उनकी दशा को देख कर ज्ञानी को क्या आती है? दया आती है। हाँ, कि वह रमने लायक नहीं है, वह रुचने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें से सुख तो क्या, सुख की कणिका भी मिलने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अनादि काल से जहाँ सुख है, वह एक समय मात्र के लिए भी दृष्टि नहीं की। चक्रवर्ती का जीव आता है ना, भरत जी, हाँ वो उदाहरण आता है ना कटोरे में तेल का। किसी ने उनको पूछा था कि आप इतने इतने वैभव के बीच में भी सम्यक दृष्टि, तो कहा ना भाई इतने वैभव के बीच में भी मेरी दृष्टि तो किस पे है? स्वभाव पे है। ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पे और अज्ञानी की दृष्टि विभाव पर। क्या आ रहा है कि नहीं? दृष्टि में, दृष्टि में फेर है ना। कहते ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसा जगत भी कैसा वैसा ही दिखेगा। क्या लग रहा ना? इसलिए गुरुदेव कहते थे ना कि मैं कोई ने पर्याय दृष्टि थी जोया होय तो मने माफ करी दे जोया। सभी भूलेला भगवान छे, अभी पता नहीं है, अभी नहीं पता है, हाँ पर क्या है, स्वयं क्या है, भगवान है और भगवान बनने के लायक है। अनादि काल से दो चीज के पीछे ये दौड़ रहा है। दो चीज, कौन सी दो चीज? तन और धन। तन और धन, ख्याल आ रहा है कि नहीं? धन क्यों कमाते हैं? तन के लिए, ख्याल आ रहा है कि नहीं? और तन के लिए क्या करते हैं? तन के लिए क्या करते हैं? तो धन कमाते हैं, है ना? भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निशिदिन मस्त रहा, उनके संग्रह में है प्रभुवर, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। दिन रात किसके पीछे? उस भोगों के पीछे क्या करता रहा? अभ्यस्त त्रस्त अभ्यस्त करता रहा। ख्याल आ रहा है ना? आज कहा ना ज्ञान में पूरा विश्व झलकता है। ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञान का स्वभाव जानना है। और ज्ञेयो का स्वभाव क्या है? झलकना है। खरे कर तो इन ज्ञेयो के बीच, मेरे और इन ज्ञेयो के बीच में कौन सा संबंध है? ये ज्ञेय क्या एक संबंध है। ख्याल आ रहा है ना? ज्ञेय क्या है? और मैंने माना क्या, माना क्या? हाँ, कर्ता कर्म संबंध माना, यही तो ब्रह्म है ना। ख्याल आ रहा ना? पूरा विश्व मेरे ज्ञान, ज्ञान में झलक रहा है। ज्ञान की कला में आता है ना, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। भूल का करता है जहाँ इस ज्ञान में गिने झलकते हैं, प्रवचन सार में आया ना, मानो इस ज्ञान में सारे गिने क्या हो गए हैं? कीलित हो गए, डूब गए हैं। समझ में आ रहा ना? मानो मानो उस रूप हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है, पर ज्ञान कभी गिने रूप हुआ नहीं है। ज्ञान गिनेयों से कैसा है? शून्य है। और मैंने माना, क्या माना? कि ये झलकते ही मैं उस गिने वाला हो गया। यही तो भूल कर रहा है अनादिकाल से। ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो अंतर है। दोनों को झलक रहा है, राग दोनों को झलक रहा है, पर झलकते वत ही वो क्या कर लेता है? उसमें अपनापन कर देता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए कहा ना पुण्य पाप अधिकार अपन देख रहे हैं ना, तो यहाँ जैसे परिणाम करेंगे वैसे सामने क्या होगा? बंद होगा। और बंद होगा तो उसका क्या आएगा? उसका उदय आएगा। फिर से उदय आया तो अज्ञानी उसमें क्या हुआ? जुड़ा। ख्याल आ रहा ना? जुड़ा, वापस कर्म बंधे और बंधे और वापस क्या आया? उसका उदय आया। ऐसे अनादि काल से क्या चल रहा है? ये संसार चक्र चालू।
बोलो पाप का उदय और पाप परिणाम में कोई अंतर है कि नहीं? पाप का उदय उशांति उन अंतर है कि नहीं? पाप के उद पाप का उदय और पाप परिणाम कृष्ण जी अंतर है? अंतर है आंटी, अंतर है ना। हाँ, पाप का जो उदय है ना वो तो द्रव्य कर्म है, और पाप परिणाम है वो भाव कर्म है। एक तो ये अंतर। दूसरा दूसरा आंटी के पाप का उदय दुख का कारण नहीं, पर पाप परिणाम वो दुख का कारण है। ख्याल है ना, पाप का उदय तो ज्ञानी को भी आता है, पर ज्ञानी को पाप का उदय दुखी करने में असमर्थ, असमर्थ आज का ना। ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता और अज्ञानी को कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि ही संयोग पर और ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर है ना। पाप के पाप का उदय से कोई पापी नहीं, पर पाप परिणाम से जीव पापी है। बोलो सीता सती अंजना सती को पाप का उदय तो था, पर पाप के उदय के बीच में भी पापी नहीं थे, वो तो धर्मात्मा थे। क्योंकि पाप उदय अलग, पाप परिणाम अलग, और उस उदय और परिणाम से अपने आप को ज्ञानी क्या जानते हैं? भिन्न जानते हैं। इसलिए तो कहा ना, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण और अज्ञानी का त्याग भी बंध का कारण। निर्जराधिकार में कहा ना, ज्ञानी ज्ञानी के भोग भी क्या है? निर्जरा के कारण। देखो आगे जाते, इसलिए पूज्य बेंशी का एक बोल है के बंद समय चेत उदय समय शा उचाट। बंद समय चेत माने जब बंद करता है तब तो सावधानी नहीं रखता, बंद परिणाम कर लेता है, और जब उसका उदय आता है ना तो आकुल व्याकुल हो जाता है कि मुझे ऐसा उदय क्यों आया। पर ये उदय जो आया, ये उदय क्यों आया? क्योंकि पूर्व में मैंने ही ऐसे परिणाम किए थे। बोलो सीता सती जी अंजना सती जी ने वन जंगल में क्या विचार किया? रामचंद्र जी के ऊपर दोष नहीं दिया, कहा ना जो पुरुषार्थी होते हैं वे निमित्त पर दोष नहीं देते, वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ऊपर दोष नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि राग हो रहा है तो अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से हो रहा है। हाँ, ना, और वीतराग परिणाम हो रहा है तो वो अपने ही पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ से हो रहा है। पर द्रव्य तो मात्र निमित्त है और पर द्रव्य तो निर्दोष है, दोष देखना ही महा अपराध है। क्या कहा? किसी का दोष देखना, किसी का दोष देखना ही महा अपराध है। ख्याल आ रहा है ना। बोलो सारे जीव अनंत गुणात्मय है कि नहीं? गुण ज्ञान सुख से लबालब भरे हुए। उल्टा होता है ना, ज्ञानी अज्ञानी क्या करता है? सबके दोष देखता है और अपने अपने गुण गुण प्रकट करता, और ज्ञानी क्या करते हैं? दूसरों के गुण देखते हैं और अपने दोषों को प्रकट करते हैं। कितनी दिशा ही विपरीत है ना दोनों की। हला रहा है कि नहीं? यहाँ पे हम पुण्य पाप एकत्व तो द्वार में देख रहे हैं ना। देखो अपन आते हैं सातवें नंबर के छंद के ऊपर, सातवें नंबर के छंद क्या कहते हैं अपन एक बार पढ़ते हैं छंद सात में। शील तप संयम विरति दान पूजा दीप अथवा असंयम कषाय विषे भोग है कौ शुभ रूप कौ अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। दोनों क्या है? दोनों पुण्य पाप एकत्व द्वार में सातवें नंबर का छंद, सातवें नंबर का छंद। दोनों क्या है? कर्म रोग है। कर्म रोग कौन कौन से दोनों कर्म रोग? शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम, दोनों रोग है। शरीर भी क्या कहा? रोग है। ये परिणाम भी क्या है? रोग है। अलग है ना।
और आत्मा क्या है? आत्मा तो ज्ञान की मूर्ति है, ये शरीर रोग की मूर्ति और आत्मा ज्ञान की मूर्ति है। क्या कहा? दोनों क्या है? कर्म रोग है। ऐसी बंद पद्धति बखानी बीत रागी देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। आत्मा के धर्म में दोनों का क्या है? त्याग है। जब शुद्ध उपयोग होगा ना, तो तब ना ना प्रशस्त राग होगा और ना अप्रशस्त राग होगा, बराबर ना? दोनों राग का क्या है उस समय? दोनों राग का अभाव है। देखो दो दशा होती है ना, निर्विकल्प दशा और सविकल्प दशा। निर्विकल्प दशा के समय में उपयोग का है एकाग्र है, एकाकार का है, स्वभाव में एकाकार है, बराबर ना? उस समय श्रद्धा भी स्वभाव में अहम, ज्ञान चारित्र ज्ञान की लीनता भी स्वभाव में, और उपयोग भी एकाकार कहा है स्वभाव में, ठीक है ना? उस समय तो राग के परिणाम ही नहीं है, बुद्धिपूर्वक का राग नहीं है, बराबर ना? जब उपयोग बाहर आता है, उपयोग बाहर आता है तो उसको कौन सी दशा कहेंगे? सविकल्प दशा। सविकल्प दशा, सविकल्प दशा में यानी सबको जाने, सबको जाने माने परिज्ञियों को जाने, शुभ अशुभ परिणाम को भी जाने, जानना जानना वो तो चारित्र की कमजोरी है। उपयोग का पर में जाना, फिर से सुनना, उपयोग का पर में जाना वो किसकी कमजोरी से होता है? चारित्र की कमजोरी से। पर उसमें अगर एकाकार हो गए ना, एकाकार हो गए ना, तो श्रद्धा क्या हो जाएगी? श्रद्धा विपरीत हो जाएगी। ख्याल आ रहा है कि नहीं? जब उपयोग पर को जान रहा है, पर में जा रहा है, उस समय भी श्रद्धा तो किस में अहम कर रही है? अपने स्वभाव में अहम कर रही है। अगर श्रद्धा का विषय छूट जाएगा ना, श्रद्धा का जो विषय है शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं का विषय श्रद्धा में से छूट गया तो गुणस्थान गिर जाएगा, चौथे में से कहाँ चला जाएगा? पहले में चला जाएगा। शुभ राग तो ज्ञानी को भी आते हैं, सौधर्म इंद्र भी अपने पूरे जीवन काल में एक भी पंच कल्याणक नहीं छोड़ते हैं, सारे पंच कल्याणक को रचाने जाते हैं। भगवान की इतनी भक्ति आती है, हमने देखा ना तांडव नृत्य करते हैं, करते हैं कि नहीं? कैसी भक्ति हाल आ रहा है कि नहीं? 1008 नेत्र के द्वारा भगवान को देखते हैं तो भी क्या कहते हैं? तृप्ति नहीं होती है, समझ में आ रहा ना? ऐसा शुभ भाव तो ज्ञानी को भी आए। और एक सातवीं नरक का नाल की सम्यक दृष्टि, बोलो लड़ाई के परिणाम हो रहे कि नहीं? लड़ाई की क्रिया चल रही है, पर दोनों जो जीव है दोनों की श्रद्धा में देखे, श्रद्धा से देखे तो श्रद्धा का विषय एक समय के लिए भी छूटा नहीं है। अगर श्रद्धा का विषय छूट जाए ना, तो गुणस्थान गिर जाएगा, ख्याल आ रहा है कि नहीं? मैंने श्रद्धा तो निरंतर किसमें अहम कर रही है? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही अहम कर रही है। फिर वापस क्या करते हैं? वो विकल्प तोड़ के कहा जाते हैं? वापस स्वभाव में चले जाते हैं, निर्विकल्प दशा आ जाती है ना? इसी को साधक दशा कहते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प, और फिर से सविकल्प में से निर्विकल्प। कहते हैं ना साधक दशा उसे ही कहते हैं कि जहां बाधक पना हो। साधक दशा किसको कहेंगे? कि जहां साथ में क्या होगा? बाधक पना भी होगा, ख्याल आ रहा है कि नहीं? साधक के साथ क्या होगा? बाधक पना भी होगा, समझ में आ रहा ना? अस्थिरता जन्य राग के परिणाम होंगे, पर उस राग को रंच मात्र भी अपना नहीं मानते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया, महा मोख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। ऐसा हमने उदाहरण दिया था ना शील व्रती कन्या का, एक कोई शील व्रती स्त्री है ना, उसके उसके चित्त में से एक समय भी अपना पति
हटता नहीं है, है ना। ऐसे ज्ञानी की श्रद्धा में से एक समय भी अपना भगवान आत्मा हटता नहीं है। फिर कोई भी बार में कोई भी कार्य चल रहा हो, चाहे वो धंधा व्यापार का कार्य चल रहा हो, चाहे लड़ाई का काम चल रहा हो, पर एक समय मात्र भी वे अपने भगवान आत्मा को भूलते नहीं है। उसी का नाम क्या है? ज्ञानी है। और एक समय भी जिसको अपना आत्मा याद नहीं आता है उसका नाम क्या है? अज्ञानी है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव ने हमको चार बुद्धि का नाश कराया ना। चार बुद्धि, कौन सी चार बुद्धि? ज्ञानी होते हैं तो चार बुद्धि का नाश हो जाता। कौन सी चार बुद्धि? पहली पर में कर्ता बुद्धि। पहली बुद्धि कौन सी कृष्णा जी? पर में कर्ता बुद्धि, बराबर। शरीर में एकत्व बुद्धि, बराबर। तीसरी विषयों में सुख बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि। और चौथी बुद्धि पुण्य में धर्म बुद्धि। चार बुद्धि का नाश कराया गुरुदेव ने, चार बुद्धि का नाश हमको कराया। कौन सी चार? पर में कर्ता बुद्धि, दूसरी कौन सी? शरीर में एकत्व बुद्धि, तीसरी विषयों में सुख बुद्धि, और चौथी पुण्य में धर्म बुद्धिया। आज तक क्या मान के बैठे थे हम? पुण्य में ही धर्म मान के बैठे थे, है ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अनंत बार बहु परावर्तन, है ना, पांच परावर्तन बोलो। ऐसे शुक्ल लेशिया के परिणाम कितनी बार किए? अनंत बार किए। और कहा उपजियो नौमी ग्रेविक, हाल आ रहा है कि नहीं? कहा, कहते ना अष्टपाउल में कहा है कि सुमेरु पर्वत जितना पीछी और कमंडल का क्या हो जाए, डगला हो जाए, उतनी बार तो हमने क्या अंगीकार किया है? द्रविलिंग पना अंगीकार किया है। पर एक समय के लिए भी अपने शुद्धात्मा का क्या नहीं किया? अनुभव। कितना सरल है ना काम, कितना सरल। एक समय में हो जाए वो तीर्यंश गति के अनपढ़ जीव जिनको सात तत्व के नाम भी पता नहीं, नाम भी पता नहीं है, पर गुणस्थान कौन सा? गुणस्थान कौन सा? चौथा। और हमको सब बार में अनुकूल सामग्री देवशास्त्र गुरु, ख्याल आ रहा है कि नहीं? गुरुदेव का प्रवचन रोज सुनते हैं, ख्याल आ रहा है कि नहीं? अनंत बार कहाँ जाके आए? समो शरण में जाके आए तो भी कैसे रहे? कोरे के कोरे रहे। और एक अनपढ़ गति, अनपढ़ तीर्यंश गति का जीव भी क्या कर लेता है? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान के जीव को कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था? हाथी की पर्याय में हो गया था ना, हाथी की पर्याय में। महावीर भगवान को कौन सी पर्याय में? शेर की पर्याय में हो गया ना। एक मेंढक सम्यक दृष्टि, क्या लग रहा ना? एक हाथी सम्यक दृष्टि, वो महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र के वे सम्यक दृष्टि। और ये जीव, इसलिए कहते ना ये मार्ग क्षयोपशम ज्ञान का नहीं है। कोई अच्छा प्रवचन दे रहा हो तो उसका उसका मतलब ये नहीं कि वो सम्यक दृष्टि है। और जिसको बोलना ही ना आए बोलो तो जरूर मिथ्या दृष्टि। हम मापदंड किससे किया हमने? सम्यक तो का वाणी से, वाणी से ख्याल आ रहा है कि नहीं? किसी की अच्छी क्रिया देख के हम तुरंत क्या अनुमान लगा देते हैं? ये सम्यक दृष्टि। और किसी की थोड़ी कोई गलत क्रिया देख के ये जरूर मिथ्या दृष्टि। पूरा मापदंड अज्ञानी संयोग से करता है। और ये मोक्ष मार्ग का मापदंड अभिप्राय से होता है। अभिप्राय बदला तो वो सम्यक दृष्टि, और अभिप्राय मिथ्या तो वो जीव मिथ्या दृष्टिया। इसलिए कहा ना श्रीमद जी ने, कोई क्रिया जड़ थी रया शुष्क ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। दो जीव पर दया आती है, एक तो जो शुष्क ज्ञान में धर्म मानता है
और एक एक क्रिया में धर्म मानता है। माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोया, कहते ना हम प्रथमान योग पढ़ के हमको उस कमट के जीव के ऊपर द्वेष आ जाता है, उस श्रेणिक राजा के जीव पर द्वेष आता है ला ना, उस अंजन चोर पे द्वेष आता है, पर वही जीव उसी पर्याय में क्या कर लेते हैं, सम्यक दर्शन लेके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे द्वेष करते हैं और वही जीव उसी भाव से कहाँ से ले जाते हैं, प्राग भाव प्रधान सा भाव है ना, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, समझ में आ रहा है ना। आज रुचि नहीं है, अगले समय में उस जीव को क्या हो जाए, उस जीव को रुचि हो जाए। शिवभूति मुनिराज को बोलो संघ से निकाल दिया था ना, और उसी भाव से उस संघ के मुनिराजों से भी पहले क्या कर लिया, केवल ज्ञान लेके मोक्ष ले लिया, ख्याल आ रहा ना। इसलिए किसी को हम औदेक भाव से नहीं देखेंगे, है ना, कहते ना पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टिया। क्या कहा फिर से, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। देखो इसमें अपन आगे जाते हैं, शुद्ध उपयोग से ही क्या होता है कि सारे राग द्वेष रूपी मैल का नाश हो जाता है। अपन आते हैं, देखो यहाँ पे 12वां नंबर का जो छंद है ना, उसमें कहा है कि ये शुभ और अशुभ परिणाम, देखो यहाँ पे एक लाइन है, स्थिरता ना आवे तोलो शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मोख पंथ की कतरणी। पंथ की क्या है, कतरणी माने कातर, किसको काटने की कातर है ये, मोक्ष मार्ग को काटने की क्या है ये कातर है, कौन से परिणाम, शुभ हो या अशुभ हो, ख्याल आ रहा ना। इसलिए कहते ना कि शुभ भाव, सुनना, शुभ भाव मोक्ष के लिए बाधक और संसार के लिए साधक। मोक्ष मार्ग के लिए शुभ भाव कैसे बाधक और संसार मार्ग में साधक, साधक और वितराग परिणाम मोक्ष मार्ग के लिए साधक और संसार मार्ग के लिए बाधक, ख्याल आ रहा है कि नहीं। अनादिकाल से हम कौन से परिणाम कर रहे हैं, बाधक परिणाम कर रहे हैं, आज तक कौन से परिणाम नहीं किए, साधक परिणाम नहीं किए। एक इस पे आ जाओ, 15 नंबर का छंद, देखो 15 नंबर का छंद पे क्या कहते हैं, 15 और जो 14वां नंबर है ना, उसमें दो बात की है, अपन दोनों साथ में पढ़ते हैं 14 और 15। जो लो अष्ट कर्म विनाश नाही सर्वथा, तो लो अंतरात्मा धारा दोई बरनई, एक ज्ञान धारा एक शुभा शुभ कर्म धारा, दोहु की प्रकृति न्यारी 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 धरनी, इतनो विशेष जु कर्म धारा बंद रूप, पराधीन सकति विविध बंद करनी, ज्ञान धारा मोख रूप मोख की करण हार, दोख की हरण हार बोध मुद्र तरणी। दो धारा की बात की यहाँ पे, कौन सी दो धारा, ज्ञानी होते हैं तो कौन सी दो धारा प्रकट हो जाती है, ज्ञान धारा और राग धारा। ज्ञान धारा को दूसरी भाषा में कहे तो कौन सी धारा, वितराग धारा। और राग धारा माने कर्म धारा, मेल धारा, ख्याल आ रहा ना। ये दोनों धारा किसको देखने में आएगी, ज्ञानी को देखने में आएगी, है ना। इसलिए अपन तीन प्रकार से बात करें ना, अज्ञान राग, अज्ञानी तो कैसे होते हैं, रागी। ज्ञानी कैसे होते हैं,
वैरागी हाँ, और केवली कैसे होते हैं? वीतरागी। तीन 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 जी, अज्ञानी, ज्ञानी और केवली। अज्ञानी कैसे? अज्ञानी कैसे? रागी। ज्ञानी कैसे? वैरागी। और केवली कैसे? वीतरागी। अब जो ज्ञानी होते हैं ना, तो उनकी दो धारा, कौन सी दो धारा? ज्ञान धारा और राग धारा, बराबर ना। अभी एक प्रश्न, कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व साथ में रह सकता है कि नहीं? हाँ, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व साथ में रह सकता है कि नहीं? आंटी, रह सकता है कि नहीं? हाँ, नहीं रह सकता ना, क्योंकि ये दोनों एक ही गुण की पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय? श्रद्धा गुण की पर्याय। और एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होगी, या तो मिथ्या और या तो सम्यक, बराबर कि नहीं? तो मिथ्या तो होगा तब क्या नहीं होगा? सम्यक तो नहीं होगा, और सम्यक तो होगा तब मिथ्या तो नहीं होगा, बराबर के नहीं? अब दूसरा प्रश्न, सम्यक्त्व और राग साथ में रह सकता है कि नहीं? सम्यक्त्व और राग साथ में रह सकता है कि नहीं? तो के रह सकता है ना। जो राग परिणाम है ना, वो तो चारित्र की कमजोरी से हो रहा है, चारित्र की अधुरास से हो रहा है। और जो सम्यक्त्व है, वो तो श्रद्धा गुण का कार्य है, हला रहा है कि नहीं? वो दोनों साथ में रह सकते हैं, वो दोनों साथ में रहने में कोई बाधक नहीं है, कोई बाधा नहीं, कोई विरोध नहीं, हला रहा है ना। इसी का नाम ज्ञानी है। वो राग होने के बावजूद भी अपने को रागी अनुभवते नहीं है, रागी अनुभवते नहीं है, हर समय वे तो राग के मात्र जानने वाले हैं। बारहवीं गाथा में कह दिया ना, बारहवीं गाथा में, पहले तो ग्यारहवीं गाथा में कहा, सगड़ोए व्यवहार केवो छे, सगड़ोए व्यवहार अभूतार्थ छे, और शुद्ध नहीं भूतार्थ छे। फिर बारहवीं गाथा में क्या कह दिया? बारहवीं गाथा में के व्यवहार नहीं जाने लो प्रयोजनवान छे, और शुद्ध नहीं आदरेलो प्रयोजनवान छे। जाने लो प्रयोजनवान और आदरेलो प्रयोजनवान माने क्या? जो शुद्ध नहीं है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो तो आश्रय करने लायक है, और जो व्यवहार नहीं है, जो अस्थिरता जन्य राग है, वो तो मात्र जानने लायक है। ख्याल आ रहेगा ना, ख्याल आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जानेगा नहीं ना, जानेगा नहीं तो उसको दूर कैसे करेगा, दूर कैसे करेगा? इसे राग को भी जानते हैं, पर राग को अपना मानते नहीं है। कहा ना, मिथ्यात्व का दोष वाणी का दोष नहीं है, वाणी का दोष नहीं है, कोई क्रिया का दोष नहीं, पर वो किसका दोष है? श्रद्धा का दोष। ज्ञानी भी कहेंगे, ज्ञानी भी कहेंगे, ये मेरे साधर्मी, ये मेरा मंदिर, ख्याल आ रहा ना, ये मेरे देशास्त्र गुरु, ये मेरे स्त्री घर कुटुंब परिवार, ख्याल आ रहा ना। पर मान्यता में तो एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, समझ में आ रहा ना, अलिप्त रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। इसलिए आज कहा ना, ब्रह्मचारी हो या ग्रस्त हो, कहा ना कितना आज कि ब्रह्मचारी हो ग्रस्त हो, दोनों दोनों दोनों, अगर दोनों को स्वभाव की दृष्टि नहीं तो दोनों दुखी, और स्वभाव की दृष्टि होगी तो दोनों सुखी, ख्याल आ रहा है कि नहीं? दोनों सुखी। थोड़ी थोड़ी बार में गुरुदेव तो कहते हैं ब्रह्मचर्य माने क्या, खाली बाहर से वस्त्र बदल देना, खाली थोड़ी अच्छी क्रिया हो जाना, शुद्ध सफेद वस्त्र पहन लेना, उसका नाम कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। ऐसे ब्रह्मचर्य तो अपने अनंत बार किए। ब्रह्मचर्य माने क्या? अपने ब्रह्म स्वरूप में चर्या करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। ख्याल आ रहा है कि नहीं? अनंत बार ऐसी त्याग, ऐसी प्रतिमा, और वन जंगल में अनंत बार सबको त्याग करके चले गए तो भी कोरे के कोरे, और एक चक्रवर्ती का जीव गृहस्थ आश्रम में भी रह के बोलो सुखी, प्रशंसनीय, भगवान के लघु नंदन, अल्प काल में कहा सिद्ध दशा में विराजमान होने वाले हैं। सोगानी जी को गुरुदेव कहते थे ना, गुरुदेव, गुरुदेव के पहले जाने वाले मोक्ष, सोगानी जी, सोगानी जी गुरुदेव के पहले मोक्ष जाने वाले,
गुरुदेव की निखालसता तो देखो, गुरुदेव के निमित्त से हुआ सम्यक दर्शन। और उनको क्या कहते थे कि जब 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 ये सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे ना, तब हम किस दशा में होंगे, मुनि दशा में। और हमको हमारा नमस्कार नमः सिद्धेभ्यो उनको पहुंचेगा। ख्याल आ रहा है कि नहीं श्रीमद जी? एक बहुत तारी एक प्रवचन गुरुदेव श्री का ऐसा ना हो कि जिसमें गुरुदेव श्री ने श्रीमद जी को याद नहीं किया। ख्याल आ रहा ना कितना श्रीमद जी के लिए उनको बहुमान आता था, कितनी छोटी उम्र और कितना ग्रस्त थे, ग्रस्त थे, हीरे जवेरी थे, जवेरियात का धंधा था, और दुकान में बैठे बैठे भी क्या करते थे, स्वाध्याय करते थे। काल इतना निकृष्ट है ना, उस समय ऐसे तत्व को समझने वाले जीव नहीं थे। हाँ, कितना विरोध करते थे श्रीमद जी का कि ग्रस्त आश्रम में सम्यक दृष्टि कैसे, बोलो। पर वे तो ज्ञानी थे। ख्याल आ रहा है कि नहीं? हाँ, चौथा बराबर ना, पर उसकी उनकी दशा मुनि जैसी थी। अपूर्व अवसर, कैसी कैसी रचना की है ना, हमारा कि नहीं? संगर रोग हो गया था उनको, संगरी नाम का रोग हो गया था उनको। कि देह की स्थिति क्या होती जाती थी, पतली होती जाती थी, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, वो रोग हो गया था ना, तो भी अपने आप को कैसा जानते थे, वो रोग से अपने आप को भिन्न जानते थे। श्रीमद जी कहते थे अमे देह धारी छे ए पण अमने याद आवतू नथी। क्या कहते थे? हम देह धारी है ना, वो भी हमको याद नहीं आता, बोलो। और अज्ञानी क्या कहता है? मैं ज्ञायक हूँ, ये भी हमको याद नहीं आता है ना। प्रवचन सुनते हैं तब तो ऐसा लगता है, ओ ख्याल आ रहा है कि नहीं? और तुरंत कोई उदय आ जाए, कोई औदयिक भाव हो जाए, तो ख्याल आ रहा है कि नहीं? तुरंत परिणाम कैसे हो जाते हैं कि नहीं? देखो यहाँ पे कहते हैं 15 नंबर का एक लास्ट छंद लेके अपन आज आश्रव द्वार है वो अपन लेंगे। ये बहुत सुंदर एक छंद है लास्ट वाला, वो अपन पढ़ते हैं। समुझे न ज्ञान कहे कर्म किए सो मोख, ऐसे जीव विकल मिथ्यात की गहल में, ज्ञान पछ गए कहे आत्मा अबंध सदा, बरते सुछंद ते बूढ़े है चहल में, जथा जोग कर्म करे पे ममता न धरे, रहे सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में, तेई सभव सागर के ऊपर है तरे जीव, जिन ही को निवास शाद के महल में। देखो क्या कहते हैं, ये यही बता रहे यहाँ पे कि दो मत बताए, एक क्रियावादी और एक सांख्यवादी, दोनों को पक्ष है। क्रियावादी को कौन सा पक्ष? क्रिया का पक्ष, और सांख्यवादियों को ज्ञान का पक्ष। क्षयोपशम ज्ञान में क्या माने? मोक्ष मार्ग माने। और जो क्रियावादी है वो शरीर की क्रिया में क्या माने? मोक्ष मार्ग माने। तो दोनों क्या है? दोनों पक्ष वाले हैं, तो दोनों 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 को कभी अबंध दशा आने वाली नहीं है, है ना, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने वाली नहीं है। गुरुदेव कहते थे ना, क्षति चीज ने अक्षति करी नहीं थी, और अक्षति चीज ने क्षति करी नहीं थी। आज आया ना सुबह टीका में, तिरोभूत और आविर्भूत, तिरोभूत और आविर्भूत। अज्ञानी ने क्या कर किया है? ज्ञायक को क्या कर दिया? तिरोभूत। और पर्याय राग इन सबको क्या कर दिया? आविर्भूत। और ज्ञानी को ये सब क्या है? तिरोभूत। और अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है आविर्भूता। इसी में ये जीव ने क्या मान लिया है? मोक्ष मार्ग मान लिया है। पर जो ज्ञानी होते हैं ना, वे तो हर समय ज्ञान और ध्यान में कैसे रहते हैं? सावधान रहते हैं। कहा ना, रहे सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में। किसमें सावधान रहते हैं? ज्ञान और ध्यान में क्या रहते हैं? सावधान रहते हैं। ख्याल आ रहा है कि नहीं? और अज्ञानी बाहर में सावधान रहता,
और ज्ञानी किस में सावधान रहते हैं? ज्ञान और ध्यान में सावधान रहते हैं। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे पुण्य पाप एकत्र द्वार पूरा किया। अपन आते हैं आश्रव अधिकार के ऊपर। पांचवा अधिकार है आश्रव अधिकार, बहुत ही सुंदर अधिकार है। देखो इसमें मुख्य रूप से मुझे दो या तीन छंद ही लेने हैं, उसमें सारा भाव आ जाएगा। अपन पहले पांचवे द्वार में, पांचवा जो आश्रव द्वार है उसका दूसरा छंद पढ़ते हैं। पहले छंद में तो यही बताया हाँ कि पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ और आश्रव अधिकार अब कह रहे हैं। दूसरा छंद पढ़ते हैं। जेते जगवासी जीव थावर जगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तारी के, महा अभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रूपी रण थंब थाड़ो भयो मुझ मोरी के, आयोती ही थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुबट सवायो बल फोरी के, आश्रव पछार्यो रण थंब तोरी धार्यो ताही, निरखी बनारसी नमत कर झोरी के। क्या कहता है देखो आश्रव, क्या कहता है आश्रव? अब आश्रव आया, आश्रव महाअभिमानी एक शब्द है ना, महाअभिमानी। कौन महाअभिमानी है? आश्रव महाअभिमानी। वो क्या अभिमान बताता है? क्या अभिमान बताता है? कि मैंने अच्छे अच्छे को क्या किया? पछाड़ा। ख्याल आ रहा है कि नहीं? वो अशुभ राग करने वाले को तो संसार में रुलाया, पर सुनो आगे किसको पछाड़ा? के जो बहुत अच्छी क्रिया करने वाले हैं ना, 28 मूल गुण की व्रत आदि, ख्याल आ रहा है कि नहीं? उन कड़क क्रियाओं के पालन करने वाले जीवों को भी मैंने क्या कराया? संसार में रुलाया। और आगे, और आगे किन जीवों को? जो जीव को ऐसा लगता है ना कि हमको तो सब कुछ आता है, हमको तो सबका ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान, ऐसे 11 अंग 9 पूर्व के धारी, ऐसे जीवों को भी मैंने क्या किया? ऐसे जीवों को भी मैंने संसार में रुलाया। अभी तक तो राज्य किसका चल रहा था? राज्य किसका था? राज्य आश्रव का था ना, आश्रव का। अब देखो क्या कहते हैं, अब रणथंभ में कौन आया? अब रणथंभ में कौन आया? कौन आया कहते हैं देखो, ज्ञान नाम सुबट सवायो बल फौरी के। वो होता है ना पुत्र, पुत्र बोलते ना, पिता से भी पुत्र सवाया, सवाया बोलते ना, है ना? ऐसे अब आश्रव से भी सवाया कौन आया? कौन आया? ज्ञान आया। परम धम, परम धाम, अचानक वहां पे कौन आ गया? ज्ञान आ गया। अब वो ज्ञान रूपी, ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान रूपी का उदय हुआ ना, हला रहा है, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो अब क्या हो गया? आश्रव पछाड़ियो, अब आश्रव का क्या हो गया? नाश हो गया। अब आश्रव वहां पे रुक ही नहीं सकता, क्योंकि उससे भी बलवान कौन आ गया? उससे भी बलवान सम्यक ज्ञान आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक आश्रव अभिमान कर रहा था, अब वहां पे आया ज्ञान, और ज्ञान ने क्या किया? आश्रव को पछाड़ दिया। ज्ञान कला जब जा खिली तो वहां आश्रव टिका ही नहीं। आश्रव को क्या करना पड़ा? उस रणथंभ को छोड़ के जाना पड़ा। आज कहा ना वो वेद ज्ञान के लिए कहा ना कि चिन्ह जहां पहचान गए चिन्ह, एक सी बैग थी ना और वहां लक्षण पता चल गया, तो तुरंत क्या हो गया? तुरंत क्या हो गया कि ये मेरी है ना, ये उसकी नहीं है। वो 34 नंबर की गाथा में चद्दर का उदाहरण दिया ना, धोबी का, कि जैसे वो मित्र किसी मित्र की क्या लेके आई आया चद्दर लेके आया और रात को ओढ़ के सो गया। अब जब वो मित्र अपनी चद्दर लेने जाता है ना, तो धोबी क्या कहता है कि वो चद्दर आपके मित्र ले गए है ना, तो वो मित्र के वहां जाता है और उसको क्या कहता है कि ये मेरी है। अब वो मानता नहीं है,
तो क्या करता है, उसको क्या बताता है? हाँ, उसको चिन्ह बताता है, उसके नाम की एक वो लिखी होती है, पहला अक्षर वो बताता है। और जहाँ वो अक्षर देखता है ना, चिन्ह देखता है, उसी समय क्या हो जाता है, उसी समय वो चद्दर का त्याग हो जाता है। फिर भी वो मित्र क्या बोलता है, हाँ मित्र बोलता है, तू पूरी रात उसको ओढ़ के सो जा, हाँ कल सुबह मुझे दे देना। अब बोलो वो पूरी रात चद्दर ओढ़ के सो रहा है, उस चद्दर में उसको कितना अपनापन है, रंज मात्र भी उसको अपनापन नहीं है, क्योंकि उसकी श्रद्धा में उसका क्या हो गया, त्याग हो गया। ऐसे ये ज्ञानी आश्रव के लक्षण और ज्ञान के लक्षण जहाँ पहचान गया, तो उसने क्या कर दिया, आश्रव का त्याग कर दिया और ज्ञान का ग्रहण कर दिया। ख्याल आ रहा है कि नहीं, ज्ञान ने आश्रव को पछाड़ दिया। देखो क्या कहते हैं, वो होता है ना नारायण के हाथ से प्रति नारायण का क्या होता है, वध होता है ना। ऐसे नारायण प्रति नारायण, प्रति नारायण भी कितने खंड का अधिपति, तीन खंड का अधिपति, बराबर ना। ऐसे आश्रव का भी राज्य चल रहा था, पर उसको किसने जीत लिया, ज्ञान ने जीत लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो शरीर होता है ना, शरीर, ये शरीर क्या कहता है, ये शरीर ये कहता है कि मैं कभी शुद्ध होने वाला नहीं हूं, तू कितना भी प्रयास कर। शरीर क्या कहता है, तू कितना भी उसको अच्छे में अच्छे साबुन लेके आएगा ना, तो भी मैं कभी शुद्ध होने वाला नहीं हूं। और मेरे संग में जो आएगा ना, हाँ उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं अशुद्ध कर दूंगा। हल आ रहा है कि नहीं। शरीर कितना अपवित्र है, बोलो कोई शुद्ध जल रखा हो, एकदम शुद्ध जल, उबला हुआ जल, शुद्ध जल रखा हो और हमने उसको मुंह में डाला और उसको वापस निकाला। अब कोई बोले कि उस जल को वापस पियो, निकाला हुआ जल को पियो ना, जल तो शुद्ध था ना, जल तो शुद्ध था कि नहीं, अब पियो ना वापस। पर शरीर का संग हुआ ना, तो वो जल भी कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया, जल भी अशुद्ध हो गया, बराबर ना। तो शरीर कहता मेरे, मुझे शुद्ध मत करो, मेरे संपर्क में जो भी आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे ये चैतन्य तत्व क्या कहता है, चैतन्य तत्व कहता है कि मैं कभी अशुद्ध हुआ नहीं, सुनना सुनना, मैं कभी अशुद्ध हुआ नहीं, और जो पर्याय मेरा संग करेगी वो पर्याय भी कैसी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। ख्याल आ रहा है कि नहीं। हाँ वो होता है ना पारस मणि का उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे वो पारस मणि पत्थर होता है और लोखंड उसको स्पर्श करे तो वो लोखंड भी क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। ऐसे जो पर्याय त्रिकाली को स्पर्श करे वो पर्याय भी कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। देखो आगे जाते हैं, एक दो छंद, एक मेन इम्पोर्टेंट छंद है, बहुत बढ़िया छंद है, 12वें नंबर का। उसके पहले एक दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, 5वें नंबर का छंद अपन पढ़ते हैं। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, तीही परिणाम की ममता हर तू है। मन सो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव, तीन के विनाशी देखो उदी मधरुत है। म्याही भांति पर परणिति को पतन करे, मोक को जतन करे भोजल तुरत है। ऐसे ज्ञानवंत ते निजाश्रव कहावे सदा, जिन ही को सुजस सुविच्छिन्न करुत है, सुविच्छिन्न करत है। यहाँ पे ज्ञानी की दशा बताई। देखो इसमें सब में एक ही बात कही है आश्रव अधिकार में, कि ज्ञानी को रागादि परिणाम होने के बावजूद भी उनको निराश्रवी कह दिया। क्या कह दिया, निराश्रवी कह दिया। परिग्रह होने के बावजूद भी उनको क्या कह दिया, अपरिग्रही कह दिया।
उदाहरण आते हैं ना, जैसे ज्ञानी की दशा, चार पांच उदाहरण आते हैं ना, जैसे वो वेश्या होती ना, वेश्या, उसको कोई किसी व्यक्ति का क्या नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, उसको तो पैसे का प्रेम है, बराबर ना। ऐसी ज्ञानी की दशा, कोई सहयोग का क्या नहीं उसको, उनको प्रेम नहीं, प्रीति भाव नहीं, क्योंकि जान गए कि ये सहयोग तो नियम से क्या होने वाले है, उस उन सहयोग का तो नियम से वियोग होने वाला है। ध्याय माता का आता है, जैसे वो पुत्र को दूध पिलाती है, अच्छा अच्छा बोलती है, उसकी प्रशंसा करती है, पर वो ध्याय माता को पता है, क्या पता है, कि ये मेरा पुत्र नहीं है, समझ में आ रहा है ना, अलिप्त रहती है कि नहीं वो ध्याय माता, कुछ इसको पता है कि मैं उसकी माता नहीं हुआ। कमल का उदाहरण दिया, कमल का, जैसे पानी में वो कमल कैसा रहता है, अलिप्त रहता है, डूबा हुआ दिखता है, डूबा हुआ दिखता है, पर पानी से कैसा है, अलिप्त है, अलिप्त है। और वो सोना होता है ना, सोना, सोना होता है तो वो मिट्टी में होता है ना, तो उसको क्या नहीं लगता, कादव में होता है तो काट नहीं लगता है उसको, और लोखंड हो तो, लोखंड हो तो काट लग जाता है ना, क्योंकि क्योंकि ऐसी ही ज्ञानी की दशा, ज्ञानी सोने जैसे है और अज्ञानी लोखंड जैसे। अज्ञानी, अज्ञानी कोई भी उदय आता है ना, तो उस उदय को, उस आश्रव परिणाम को अपना मानता, और ज्ञानी को ऐसे आश्रव परिणाम होने के बावजूद भी वे अपने आप को हर समय निराश्रवी मानते हैं, क्योंकि पता है कि मैं आज तक राग रूप हुआ ही नहीं हूँ, राग वाला हुआ ही नहीं हुआ हूँ। क्या कहा, ज्ञानी को पता है कि जैसा मेरा आत्मा शुद्ध है ना, ऐसे सारे जगत के सारे जीवों के स्वभाव भी कैसे है, शुद्ध है, शुद्ध है। देखो एक उदाहरण से मैं समझाती हूँ आपको, जैसे किसी ने नारियल कभी देखा ना हो ना, नारियल, नारियल होता ना, नारियल के ऊपर वो रूचे होते हैं, अंदर होती है काचली, और अंदर जाओ तो उसके ऊपर लाल छाल होती है, और उसके अंदर क्या होता है, सफेद मिठास का गोला। अब जिसने कभी देखा नहीं, उसने पहली बार देखा तो उसने, उसको पता चल गया, क्या पता चल गया, कि तीनों से भिन्न वो अंदर क्या है, सफेद मिठास का गोला है। अब एक पूरी गुनी पड़ी है नारियल की, 100, 200, 500 नारियल है उस गुनी में। अब उसको एक एक को देखना पड़ेगा, एक एक को देखना पड़ेगा। उसको क्या पता चल गया, उसको क्या पता चल गया कि जो मैंने एक नारियल देखा कि वो तीनों से कैसा है, अंदर का सफेद गोला भिन्न है, उस पे से उसको सारे नारियल पता चल गए कि नहीं, कि सारे नारियल भी ऐसे ही है। ऐसे ज्ञानी ने अपने को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न देखा तो उसको सारे जगत के जीव कैसे दिख रहे हैं, बोलो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न देख रहे, दिखते हैं। इसलिए पूज्य बेंशी का बहुत सुंदर एक बोल है कि हम तो सबको, हम तो सबको पारिणामिक भाव से देखते हैं, तुम अपने आप को रागी द्वेषी देखते हो तो देखो, पर हम तो सबको कैसा देखते हैं, कैसा देखते हैं, पारिणामिक भाव से देखते हैं। गुरुदेव भी कहते थे ना, भगवान छो अने भगवान थाओ। श्रीमद जी ने भी कहा ना, क्या कहा, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे सम जे ते थाय। सभी जीव कैसे हैं, सभी जीव सिद्ध समान है, और जो समझेगा वो पर्याय में क्या हो जाएगा, सिद्ध हुए बिना रहेगा नहीं। आहा, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक अंतिम, इसका एक अंतिम छंद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 12वें नंबर का छंद है। देखो इसमें पंडित जी क्या कहते हैं, 15 ही छंद है इसमें, 12वें नंबर का एक छंद करके अपन यहीं पे पूरा करते हैं, एक बार गाते हैं छंद।
जय जयते जीव पंडित खयापो समी उपसमी तीन की अवस्था जो लुहार की संडासी है खिन आग माही खिन पानी माही तेसे एव खिन में मिथ्या तखिन ज्ञान कला भी भासी है जो लो ज्ञान रहे तो लो शिथिल चरण मोह जैसे कि ले नाग की सकति कति नासी है आवत मिथ्या तब नाना रूप बंद कर जो उकी ले नाग की सकति पर गासी है। किसकी बात की आप है? पहले तो पंडित कहा, पंडित कौन? क्षयोपशम ज्ञान जिसका ज्यादा हो उसको पंडित कहेंगे कि नहीं? हाँ, यहाँ पे पंडित जी कहते हैं उसको पंडित कहते नहीं है। हाँ, जो अच्छा प्रवचन दे उनको पंडित कहते नहीं है। हाँ, तो फिर पंडित किसको कहेंगे? हाँ, काना जो समकीति है, भेद ज्ञानी है, है ना, जिसको ज्ञान और राग अलग अलग दिख रहे हैं, वे जीव कौन है? पंडित है। अब देखो इसमें किसकी बात की, एक उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? लोहार का उदाहरण दिया। लोहार जैसे वो हाँ लोहार होता है ना, तो उसके पास एक संडासी होती है, सांसी जिसको कहते हैं, सांसी आप क्या बोलते हैं हिंदी में? सांसी कहते हैं ना, हाँ हाँ, छीनी छीनी। हाँ, तो उसकी वो जो सांसी होती है ना, उसको वो क्या करता है, थोड़े टाइम थोड़ा समय उसको गर्म पानी में आग में डालता है, हाँ, और फिर ठंडे पानी में डुबोता है, फिर आग में डुबोता है, हाँ, और फिर हाँ पानी में डुबोता है। समझ में आ रहा है ना? गड़िक माँ घड़िक में आग में और घड़िक में पानी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी किसकी दशा, ऐसी कौन से जीवों की दशा बताई? तीन प्रकार के सम्यक, औपशमी क्षयोपशमी और क्षायिक। तो ऐसी दशा कौन से जीव की? औपशमी और क्षयोपशमी, क्षायिक की नहीं। क्यों नहीं क्षायिक की? क्योंकि क्षायिक तो एक बार जिसने मिथ्यात्व का नाश कर लिया, अब कभी वापस मिथ्यात्व में आने वाले नहीं है। तब किसकी दशा बताई? ऐसी क्षयोपशमिक वाले की। देखो औपशमिक तो अंतर मुहूर्त में ही नष्ट हो जाएगा, वो तो नियम है, पर क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि कदाचित परिणाम विचलित हो जाए ना, तो गिर भी सकता है। हाँ, गिर जाएगा ना तो वापस कौन से गुणस्थान में आ जाएगा? पहले में। हाँ, और वापस जब स्वभाव का अनुभव होए तो कहाँ चढ़ जाएगा वापस? चौथे में। तो ऐसे चौथे में से पहले में और पहले में से चौथे में ऐसे असंख्यात बार, कितनी बार? असंख्यात बार सम्यक दर्शन जाए और आए, ऐसी दशा हो सकती है। देखो होवे ऐसा जरूरी नहीं, होवे ऐसा जरूरी नहीं सभी क्षयोपशमिक वाले को गिरी जाए, ऐसा नियम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पर अगर गिर जाए तो वापस किस में आ जाएंगे? मिथ्यात्व में। और वापस सम्यक तो हो जाएगा तो वापस किस में आ जाएंगे? चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे। ख्याल आ रहा है कि नहीं? पूज्य बेंश्री ने एक एक सम्यक तो कहा है, जोड़नी सम्यक, जोड़नी शाइक, सुना है आपने? जोड़नी शाइक, जोड़नी शाइक भी बेंश्री के ज्ञान में आया था। जोड़नी शाइक, जोड़नी शाइक माने जो जीव नियम से क्षयोपशम में से क्या करेगा? शाइक करेगा, शाइक ही करेगा। अब वो जीव गिरने वाला नहीं है। अप्रतिहत पुरुषार्थ कहते ना, अप्रतिहत पुरुषार्थ माने माने जो जीव क्षयोपशम में से क्या करेगा? शाइक करेगा। यहाँ पे तो किसकी बात है? यहाँ पे तो जो जीव गिरता है और गिर के वापस क्या कर लेता है? सम्यक्त में आता है। ऐसे ऐसे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि गिर भी सकता है और वापस क्षयोपशम सम्यक्त को प्राप्त भी कर सकता है। बोला ना, असंख्यात बार कर सकता है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? शाइक की तो बात ही नहीं, क्योंकि शाइक तो एक बार शाइक कर लिया तो कभी वापस गिरने वाला नहीं है। और औपशमिक का तो नियम ही है कि अंतर मुहूर्त में औपशमिक सम्यक्त्व का तो नाश होगा होगा और
होगा ही, है ना। शायोपशमिक समय तक टिकेगा तो कितने लंबे समय तक टिकेगा? 66 सागर बताया है, उसका काल कितना बताया? 66 सागर। दूसरा, ये काल में कोई शायिक नहीं ले सकता। ये काल में जिसको भी सम्यक तो होगा वो कौन सा होगा? औपशमिक और शायोपशमिक होगा। गुरुदेव जी को जो था, जो बेन जी को था, श्रीमद जी को था, सोगानी जी को था, ये सब कौन सा सम्यक था? शायोपशमिक सम्यक था। वे मिथ्यात्व लेके आए थे पंचम काल में, इस उंडा अवसर्पिणी काल में। जो भी जीव इधर आता है ना, वो विराधक जीवी होते हैं, मिथ्यात्व को लेके आते हैं। पर ये जीवों ने इस काल में क्या कर लिया? भेद ज्ञान कर लिया। भेद ज्ञान करके क्या किया? राग और ज्ञान को अलग कर दिया। और यहाँ से क्या लेके गए? यहाँ से सम्यक तो लेके गए। ख्याल आ रहा है कि नहीं? उनका सम्यक तो गिरा नहीं, सम्यक तो क्या लेके गए। और अब आगे जाके क्या कर लेंगे? शायोपशमिक में से केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल्य में शायिक करके अल्पकाल में सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पर एक बार सम्यक तो हो गया, शायद वो गिर भी गया तो भी क्या हो गया? उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। अब वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर कहा जाएगा, वो नियम से मोक्ष में जाएगा, जाएगा और जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसी यहाँ पे एक नाग का उदाहरण दिया। देखो, एक नाग का भी दिया है, कीले नाग की और उकीले नाग की, दो शब्द मिले, कीले नाग की और उकीले नाग की। कीले नाग माने, कीले नाग माने जिसका जिसका जो जहर होता है ना वो निकाल दिया। कीले नाग, कीले नाग की सकती गति नासी है ना, नासी है। आवत मिथ्यात तब नाना रूप बंद करे, जो उकेले नाग की सकती परागासी है। उकेले नाग और कीले नाग, कीले नाग माने जिसका जहर निकाल दिया। अब जहर निकाल दिया तो अब वो डंक मारे तो भी, डंक मारे तो भी हाँ कुछ नहीं, समझ में, मरने वाला नहीं है। हाँ, और इस ऐसे ही ज्ञानी को कीले नाग के समान कहा। कौन सा जहर निकल गया ज्ञानी को? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का जहर निकल गया, इसलिए ज्ञानी को कहे कीले नाग। और वापस वो मिथ्यात्व में आया तो वापस वो डंक मारे, क्या डंक मारे, क्या डंक मारे, मिथ्यात्व का डंक चालू हो गया। क्या हो गया? कि ये शरीर मेरा, ये पुत्र मेरे, है ना, मेरे बिना इसका क्या होगा, ऐसे डंक मारना चालू हो गया। इसलिए अज्ञानी को कैसे कहा? उकेले नाग। और ज्ञानी को कैसे कहे? कीले नाग, के जहाँ मिथ्यात्व रूपी जहर ही निकल गया है, ऐसे हमको भी मिथ्यात्व रूपी जहर निकल जाए, है ना, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जहर निकल जाए, सम्यक्त की प्राप्ति होए और अनंत का हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ। Thank you.
श्रेणी के हिंदू,